मेरे सिरसा वासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ और श्री बाबा तारा कुटिया से ही आदेश माने संदेश माने कि मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आप अपने घरों में रहें। बहुत ज़रूरी काम है तो घर से निकलें। ये COVID-19 की जो दूसरी लहर है ये बहुत खतरनाक एक लहर आई है और हर बीमारी 15 मार्च से लेके 15 मई तक एक बूस्टअप होती है, लेकिन कुछ गलतियाँ समझे सरकार की या कुछ भी समझे, जो कोविड को बिल्कुल ना गिनने में एक कोविड को हर बीमारी जो बूस्टअप होती है कोविड का एक बम ब्लास्ट हो गया है, कोविड ब्लास्ट हो गया है। तो इससे हमें बड़ी निगरानी करनी चाहिए, भीड़ वाले इलाके में ना जाएं, जब तक जरूरत नहीं है हम घर से ना निकलें। सरकारें हमारे साथ है, सरकारें ऐड कर रही है, सरकारों ने हमें इंजेक्शन दिए हैं, ऑक्सीजन का भी प्रबंध कर रही है दिन रात, लेकिन जब तक हम सोचे कि हम किसी घर में हम किसी मेहमान को 10 बुलाएं और एकदम 100 आ जाएं तो उसकी तैयारी करने में टाइम लगता है, वक्त लगता है। तो मैं मेरे सिरसा वासियों से अपील करता हूँ कि वो घर में रहें, अपने परिवार के साथ रहें। आप हैं तो आपका परिवार है, 6 फुट की दूरी में रहें, घर में भी मास्क लगा के रखें, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कुछ थेरेपी करते रहें, योगा करते रहें, कुछ ताकत की चीज़ें खाते रहें जिससे हम बचे रहें, ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। एक जो COVID-19 आज दूसरी लहर में चल रहा है ये बहुत ख़तरनाक है, हम टीवियों में देख रहे हैं, अखबारों में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि कितना ख़तरनाक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा बचें, हम आज एक पैसे की दौड़ धूप में लगे हैं, उस पैसे से दूर रहें। पैसे हम रहेंगे तो सारी ज़िंदगी कमा लेंगे। मैं सबसे पहले ये अपील करता हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ सुरक्षित रहें, कि भाई गोपाल कांडा जी सिरसा वासियों के लिए हर वक्त 24 घंटे तैयार रहते हैं। जब उन्होंने देखी कि इस आपदा के अंदर आज सिरसा के अंदर चलो सब चीज़ों की जरूरत है, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा जरूरत चल रही है, पूरे इंडिया में चल रही है महामारी के अंदर एक ऑक्सीजन की जो दौड़ धूप हम देख रहे हैं मरीजों के लिए, चारों तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो रही है, उसको देखते हुए भाई गोपाल कांडा जी ने आज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उनका एक ऑर्डर किया है करीबन 150 पीस का, लगभग वो 10 तारीख तक सिरसा में आ जाएंगे। उनको देखते हुए भाई गोपाल कांडा जी ने आज कोविड को देखते हुए सिरसा वासियों के लिए लगभग 1 करोड़ रुपये का ऑर्डर जारी कर दिया है और 10 तारीख तक सिरसा के अंदर ऑक्सीजन के लिए हम किसी की जान नहीं जाने देंगे। चाहे ऑक्सीजन प्लांट के लिए भाई गोपाल कांडा जी को विदेशों से लानी पड़े, आज भी ये चीज़ें आएगी ये विदेशों से आएगी, और अगर कुछ भी करना पड़ेगा तो सिरसा वासियों के लिए हर टाइम 24 घंटे भाई गोपाल कांडा जी खड़े हैं। और आज इन्होंने एक बहुत बड़ा ऑर्डर देकर सिरसा वासियों के लिए ऑक्सीजन का पूरा एक रूपरेखा तैयार करके और एक ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो चीज़ चली है ये मंगवाई है 150 पीस का, लगभग 1 करोड़ रुपये का ऑर्डर कर दिया, ये जो 10 तारीख तक सिरसा में पहुंच जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे सिरसा वासी, बाकी तो भगवान के हाथ में हैं, पर हम जितनी कोशिश करेंगे सिरसा वासियों के लिए उतनी थोड़ी है, और 24 घंटे भाई गोपाल कांडा जी तैयार हैं। ये जहाँ हॉस्पिटल में जरूरत होगी ये बाबा तारा कुटिया से जारी किया जाएगा कि जिस मरीज को जरूरत है उसके लिए यहाँ से उसके नाम से ये जारी होगा, जिस हॉस्पिटल में जरूरत है उस हॉस्पिटल में जारी रहेगा, आगे से आगे जहाँ मरीजों को जरूरत पड़ती रहेगी इसकी एक चैन सिस्टम बना देंगे उसको, मतलब मरीजों को जहाँ भी किसी भी हॉस्पिटल में मरीज है उसको एक ये कंसंट्रेटर दिया जाएगा कि उसकी ऑक्सीजन पूरी हो, क्योंकि आज सिलेंडर नहीं है, गैस नहीं है, आ नहीं रही, तो ये पूर्ति करता है। एक मरीज को घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके साथ ये लगा रहेगा, जिस हॉस्पिटल में जहाँ जरूरत होगी हम वहीं देंगे।